आप लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, आज हमसे भी सुन लीजिए। केवल आप लोगों ने एक कहानी सुनी है कि एक ही रेस हुआ था, उसके चार रेस हुए थे, तो आप सभी चारों रेस हमसे जान लीजिए। पहले रेस में क्या हुआ था कि जब कछुआ और खरगोश की कहानी दौड़ शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ कि खरगोश सो गया बीच रास्ते में जाकर के, और कछुआ चलता गया चलता गया चलता गया, और वो क्या हुआ अपनी मंजिल को पा लिया। इससे क्या सीख मिलती है कि हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है, और हमें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमको रुकना नहीं है। विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि थको नहीं रुको नहीं, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। दूसरा दौड़ हुआ तो दूसरे दौड़ में क्या हुआ कि अब खरगोश इसमें चौकन्ना हो गया था और अपनी गलतियों को दोहराया नहीं, और जब दूसरा दौड़ शुरू हुआ तो कछुआ पीछे रह गया और खरगोश दौड़ करके अपनी मंजिल पा गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी मंजिल को जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक रुकना नहीं है, और हमें अपनी गलतियों को वापस नहीं दोहराना है। तो खरगोश ने इस बार वही किया। फिर आई तीसरे दौड़ की बारी, तो जब तीसरा रेस हुआ तो उसमें क्या हुआ, अब ये हुआ कि रास्ता चेंज हो गया। जब तो कहा कछुआ ने कहा कि रास्ता बदल के चला जाए, मंजिल वही लेकिन रास्ता बदल दिया गया। अब कछुआ और खरगोश का जब दौड़ हुआ तो इसमें क्या हुआ, आधे रास्ते जाने के बाद पानी मिल जाता है, तो खरगोश तो उसको पार नहीं कर पाया लेकिन कछुआ तैर करके पार कर गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमसे कोई कितना भी आगे हो, अगर हम स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो सिलेबस के अनुसार है, तो हमें आगे बढ़ने से, मंजिल प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा तेज आदमी हो, मतलब पढ़ाई में सही हो। अगर हम स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपटीशन बीट कर ले जाएंगे। आई चौथे रेस की बारी, चौथे रेस में यह हुआ कि जब कछुआ और खरगोश का दौड़ हुआ तो रास्ता वही था, अब कछुआ और खरगोश एक हो गए, और जब तक जमीन थी तो कछुआ खरगोश के ऊपर आ गया, जमीन को जल्दी से पार कर गए, और जब पानी आई तो खरगोश कछुए के ऊपर आ गया और पानी को भी पार कर गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कि अपने दोस्तों को, अपने करीब उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो हमारे लिए हितकर हों, ये नहीं कि संगत का देखिएगा बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो हमें उन्हीं दोस्तों को रखना चाहिए जो हमें सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद कर सकें, अन्यथा की बातें न करते हों। आई होप यह पूरा ये आप लोगों को कहानी समझ में आया हो।